आज ना चब बढ़िया नहीं क्यों तुम भी हार्दिक पांडे हो गया तुम्हारा भी 5 करोड़ का नुकसान हो गया पता चला क्या हुआ अभी मजाक नहीं कर दुबई से हार्दिक पांडे आए स्वैग में यो माय मैन करते हुए और फिर न्यूज आई उसके बाद उसके बैग में 2 घड़ियां थी 5 करोड़ की जो मुंबई के कस्टम एयरपोर्ट कस्टम जो होता है उसने जब्त कर ली। अभी पूरा न्यूज फैला हुआ है और हार्दिक पांड्या के दिल से निकला हुआ है। आज तो ना करके भी नहीं आया फिर ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार। भले ही मैं एक्साइटेड होकर बता रहा हूँ दुख तो यहीं पे है मेरा एक्चुअली। 5 करोड़ अबे मेरे को लगता था बॉलीवुड वाले इतना पैसा कमाते तू भी। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ ये एक्चुअली न्यूज छपी पड़ी है कि हार्दिक पांड्या के 5 करोड़ की घड़ियां 2 घड़ियां जब्त की गई है। बट ये सारे न्यूज वाले दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखा रहे वो ये है कि हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर कि अबे ओ ये सुन थप्पड़ पड़ मार दूंगा बदनाम मत किया करो मेरे को। पहली चीज 2 घड़ियां हैं 1.5 करोड़ रुपए की ठीक है, और पकड़ा नहीं है मुझे, मैं खुद गया था चल के इन दोनों पैरों पे 11 नंबर की बस लेके। ये अफवाह बना रहे हैं और न्यूज वाले ने बोला निकल हम नहीं सुन रहे हम वही न्यूज चलाएंगे। 5 करोड़ की घड़ी थी, घड़ियां तेरी थी, पकड़ में तेरे बैग से आई है, 5 करोड़ की हम बताएंगे, तुझे नहीं मालूम हम बताएंगे। मतलब अगर तुम इसका स्टेटमेंट पढ़ दो ना ऐसा लगता रोते हुए कह रहा भैया नहीं भैया 1.5 करोड़ की है यार, और मेरे पास रिसिप्ट नहीं थी इसलिए खुद चल के गया कि तुम देख लो जो भी पेनल्टी बनती है रूल बनता है और जो पेपर मेरे से चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर 5 करोड़ नहीं है यार तुझे नहीं मालूम है हम बता रहे ना है। और इकलौता हार्दिक पांड्या नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट इशू करी है, वीर दास जो स्टैंड अप कॉमेडियन है हाँ मस्ती ज्यादा वाला कल ही बात कर रहा था मैं तो भी उसने एक स्टैंड अप अपलोड किया, स्टैंड अप नहीं काइंड ऑफ पोयम है जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के बारे में कि 2 इंडिया है यहाँ पे आजकल, एक इंडिया जो हम जानते थे और एक इंडिया जो अब बन चुका है। और अच्छी खासी वीडियो थी, मैंने खुद देखी हुई है जब आई थी तभी देख ली थी मैंने, बट मैं देख के एंजॉय करके चला गया। आज सुबह उठ के देखा वीरदास का स्टेटमेंट निकला पड़ा है, क्यों? क्योंकि बीजेपी की कोई पार्टी नेता है प्रीति गांधी करके, तो उसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप ली और पोस्ट कर दी कि अरे 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 तू इंडिया की बात करता है, ये वही इंडिया है जहाँ पे तू ये कर सकता है कि बाहर जाके अपने देश की बुराई करता है, ओहो ये वही इंडिया है जो तेरे नखरे झेलता है, तेरे घर वाले तुझे नहीं झेलते हम झेलते हैं। मुझे समझ में नहीं क्या क्या गलत है, मतलब जो क्लिप उसने पोस्ट करी है ना उसमें भी जो बात कही गई है वो रियलिटी हमारे देश की नहीं नहीं हमारी सरकार है ना हम सुनेंगे नहीं। ये बीजेपी को स्टैंड अप कॉमेडियन से दिक्कत क्या है बे, बोल के आ गया ना ठीक है इंप्रूव करो। Yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. अब बताओ मुझे क्या ये सच नहीं है, पॉलिटिक जब इलेक्शन हो रहे थे सारे नेता बिना मास्क के घूम रहे थे, बच्चों को तुमने मास्क पहना रखे हैं, एयर क्वालिटी अभी इतनी डिबेट हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है ना तू बदनाम कर रहा है, हम टॉलरेट कर रहे हैं वही काफी है, अबे इंप्रूव करो ये तुम्हारा काम है, स्टैंड अप कॉमेडियन पर गुस्सा होना तुम्हारा काम नहीं है। हम चेंज नहीं करेंगे, हमसे हो नहीं रहा है तो हम स्टैंड अप कॉमेडियन पे बातें करेंगे और जेल में डालेंगे। हाँ ये वही टॉपिक है जहाँ पे मैं हर बार जब ऐसी बातें करता हूँ मैं सब्सक्राइबर लूज करता हूँ, उसके बाद भी मैं करता हूँ क्योंकि जो उसने बोला वो गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करो। तो ये सब हो रहा था, इसके बाद वीरदास ने खुद एक स्टेटमेंट इशू किया कि पहली चीज जो वो दिखाना चाह रहे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हैं, तुम पहले पूरी वीडियो देख लो और फिर तुम जज करो कि जो इंडिया है ना वो पूरी दुनिया उम्मीद के साथ देखती है, रिस्पेक्ट के साथ देखती है, कोई गंदगी या डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं देखती, और मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए किसी और की आधी अधूरी बात सुन के जजमेंट मत करो, जाओ देख लो और फिर तुम डिसाइड करो सही है कि नहीं है। और पता नहीं ये कौन है भक्त लोग शुरू हो गए गाली देना, अरे ये देखो ये आ गया एक और देशद्रोही। ये सारे लोग देशद्रोही हैं जो देश की सच्चाई के बारे में बात कर लें, अबे हमेशा अचीवमेंट ही देखते रहोगे क्या, बैड साइड भी हो देखो, बट क्या करें आजकल का जमाना ही ऐसा है कि ऑफेंड होना है, कुछ भी हो जाए ऑफेंड होना है। अभी कोई शो है टीवी पे डांस दीवानी 3 करके, तो उसमें वो डांसर है ना जो कॉकरोच के नाम से जाना जाता था, अरे राघव गिरी कुछ नाम है उसका, तो उसमें ऑडिशन चल रहा था और कोई आसामी लड़की है, जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है ना तो राघव आता है और वो पलट के कहता है कि तुम्हें चाइनीज आती है ना। मैं कहा हैं ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं लग रहा, क्योंकि गलत तो गलत लग रहा ही है, बट फिर मेरा क्वेश्चन था कि राघव को कैसे पता, क्योंकि जिस वे से क्वेश्चन किया गया था वो उसका इंटेंशन ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको पहले से पता है, वरना भैया पढ़ा लिखा बंदा यार वो भी। बट ये क्लिप वापस किसी ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लीक कर दी और फिर आसाम का सीएम गुस्सा हो गया, ये तो रेसिज्म है गलत चीज है। देखो ये क्वेश्चन करना गलत था, बट अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए वो होस्ट है, अगर उसने स्टेज में किसी को भेजा है तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेके भेजा होगा, वरना हर आदमी गोरा काला निकले तो ये थोड़ी पूछता है तुम्हें अफ्रीकन आती है क्या,
अफ्रीकन कोई लैंग्वेज नहीं है बट अफ्रीका में जो बोली जाती है, और इस पे लोगों से रेसिस्ट बोलने लग गए, गालियां देने लग गए, जिसके बाद उसको भी आके स्टेटमेंट इशू करना पड़ा है। यार क्या हुआ है कि बच्ची छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी, और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई है, बाकी हॉबीज बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार, मेरा या वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। और कोई भी क्लिपिंग को वायरल करके उस पे जज करने से पहले प्लीज मैं चाह रहा हूं आप लोग सब एक बार पूरा एपिसोड देखो कि क्या चलता आ रहा है उस बच्ची के साथ। तो प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग यार देखें, पूरा एपिसोड देखें, तब जाके आप मुझे रेसिस्ट या जो भी गाली देनी है, इंटरनेट खाली है दे सकते हैं, आप भी खाली हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब देख रहे हो, वीडियो का आधा हुआ है और तीन लोगों ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है। कुछ भी चल रहा है भाई दुनिया में, और दिक्कत है दो इंडिया कहते हैं, एक ही इंडिया है। अब देखो जिसको ऑफेंड होना होना है, जिसको सुननी है वो सुनेगा, और जिसको नहीं सुननी उसको तुम चाह के भी सुना नहीं सकते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सबको अपनी मर्जी से चुनने का हक है। अब जिसको गाली देनी वो देगा ही देगा, जिसको समझना वो समझ जाएगा। वरना कुछ भी हो रहा है देश में, मतलब कंगना रनौत देख लो ना, अभी फिर से पीछे पड़ गई गांधी जी के। अभी उसने कोई आर्टिकल शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे कि गांधी को चुन लो या सुभाष चंद्र बोस को चुन लो, तुम दोनों को नहीं चुन सकते। और आर्टिकल में टैगलाइन दी कि अगर तुम अपना एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल दोगे तो तुम्हें भीख ही मिलेगी चांटे के साथ। मैं कहा ठीक है यार, क्या हो गया? वो चुप, पानी वानी पिलाओ यार, इसका नेट क्यों नहीं कटवाता कोई? अबे नंबर बंद करो यार इसका। इसलिए नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तो मजा आता करने में। कंगना तेरा मी। बट हरामी लोग इतने हैं ना कि मतलब लास्ट टाइम जो बयान दिया था इसने कि भीख में आजादी मिली हमें, इस पे राखी सावंत ने ताने मार दिए थे, तो सारे लोग उसको नेशनल क्रश बना दिया। अबे वो आंख मारने वाली सही तो थी राखी सावंत। कांटा लगा हरकत तो मैंने ऐसे करी जैसे कांटा कहीं और लगा मेरे। सही बात है, ही इज स्टिल सो वल्गर। हां तो बहुत गंदी बात दुनिया भर की, अब बात करेंगे यूट्यूबर्स की। कल मैंने बात करी थी थारा भाई जोगिंदर के गाने के बारे में, डिस्क के बारे में, क्योंकि उसने बोला था आने वाला बवंडर, आने वाला बवंडर 15 तारीख, एक महीने से ऊपर रोया है लड़का ये कि 15 तारीख बवंडर आएगा। क्या आया? एक फोटो। ये बताते हुए कि गाना 20 को आएगा, और लोग साले कहने लग गए कि अच्छा 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 बवंडर था ना तो मौसम की खराबी के चक्कर में डिले हो गया है। अरे मैं बता रहा हूँ, इसने छाती इतनी पीट ली, हॉस्पिटल जाना पड़ा है इसको, इसलिए डिले हुआ है, बस कुछ नहीं। अबे एक फोटो ढालने के लिए तुझे एक महीने से ऊपर लग गया? अबे मेरे को देता, मैं एक घंटे में फोटोशॉप करके दे देता यार को। अबे आधे घंटे में तो मैं वीडियो एडिट कर देता हूँ, गाना चल 1.5 घंटे में कर देता, मुझे दे देता। नहीं बवंडर लाना है मुझे, टट्टी कर तू जाके बैठ। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी ये चीज, बट डीयू में बच्चे जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी डिमांड है कि अबे तुमने सिनेमा खोल दिया है, पार्क खोल दिए, मॉल खोल दिए, कॉलेज भी खोल दो यार, बड़ा इफेक्ट होती है हमारी। ओ भाई ये जो मैंने कल बोला था ना, ओपनिंग में नौटंकी है, बस नौटंकी है। और एग्जैक्टली ना मैं एग्री करता हूँ फ्लाइंग बीच की बात से, क्योंकि उनका कुछ ये रिएक्शन था। जस्ट वॉचिंग सम वीडियोस ऑन यूट्यूब की दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद है, इसलिए स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक कर रखी है कि भाई यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी खोली जाए, क्योंकि सब चीज़ें खुल चुकी है, सिनेमा हॉल, जिम विम सब कुछ खुल चुका, मार्केट मॉल्स, यूनिवर्सिटी क्यों बंद है? क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई अफेक्ट होती है। देखिए चाहता तो मैं भी होगी यूनिवर्सिटी ओपन हो, लेकिन स्टूडेंट्स का ये तर्क देना कि इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई इफेक्ट होती है, ये कुछ पेट में हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, फिर जब एग्जाम आ जाएगा तो उसी कोविड का बहाना देखिए एग्जाम कैंसिल करो। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मजाक में लेना इसको, मैं भी चाहता हूँ कॉलेज ओपन हो, क्योंकि यार एक अलग ही फन होता है, जो लाइफ आज से 14-15 साल हो गए जी हुए, वो लाइफ दोबारा जीने का बहुत ज्यादा मन है, तो जल्दी खुल जाए कॉलेज और होपफुली। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मामला कोरोना का नहीं है, क्योंकि वैसे तो सारे स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, बाकी कॉलेजेस खुल गए, बट डीयू नहीं खुल रहा, रीजन थोड़ा सा पॉलिटिकल, इसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब नीट का एग्जाम देना होता है, नहीं नहीं कोरोना है, पढ़ाई नहीं हुई, डिले करो, अय्याशी करने जाना कॉलेज में, खोलो कॉलेज, कॉलेज खोलो, पढ़ाई इफेक्ट हो रही। हाँ बहुत पढ़ी लिया तुम, मैं बता रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ लो यार, क्या मैं प्रेफर करूंगा चड्डी में बैठ के पढ़ना या पूरे कपड़े पहन के बस के मेट्रो के धक्के खा के कॉलेज जाके पढ़ना? बंदीबाजी करने का मौका मिलेगा ना, हरामी हो, हम सिंगल लोगों का मजा लेते हो तुम, अच्छा मैं नहीं हूं, तुम हरे सिंगल लोगों के मजा ले रहे हो तुम, क्यों? कुछ भी ना काम ना धाम, करना है बाम, भुवन बाम की बात करना थी, इसलिए ये घटिया ब्रिज बनाया मैंने। बट अभी बीबी तन्मय रफ्तार और समय के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जहां पे तन्मय ने पूछा फीमेल समीर खुद के बारे में। भुवन, वो जो एक एपिसोड है
जहाँ पे वी मीट फीमेल समीर फुद्दी और समीर फुद्दी इज पोटेंशियल, वो एक्ट्रेस कौन है यार? यार वी पता है वो लिखते टाइम नहीं था सीन वो, वो हमने बहुत एंड एंड में जोड़ा दो दिन पहले चार दिन पहले, एंड वी वर रियली टू बी ऑनेस्ट वी वर रियली अनश्योर अबाउट इट टिल द डे ऑफ एडिट. हम लोग बहुत मतलब वो सीन को लेके हम लोग ऐसे थे कि रखें कि नहीं रखें सीन, क्योंकि शूट करने तक हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे, और इसी के साथ पड़ी गुड. मैं कहा जिसका भी डिसीजन लिया ना, जिसने भी सही से लिया है, बहुत सही डिसीजन लिया है, चाहे वो बीबी है चाहे रोहित भैया, भाई साहब मजा ही आ गया, मतलब स्वाद कतई ही. बट वही है कि ढिंडोरा में दिखेगी, रियल लाइफ में तो समीर अकेले दिखेगा अपने ज्ञान के साथ. वैसे तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पसंद लगता है? मुझे समीर और टीटू मामा सबसे बेस्ट लगते हैं. बन छोड़ो आप ठीक है, बीबी ठीक है, बबलू जी भी बढ़िया है. एक चीज देखिए तुमने, भुवन बाम का खुद का जो कैरेक्टर है ना, वो सबसे लीस्ट फेवरेट में आएगा तुम्हारे. सबसे हरामी कैरेक्टर्स जो हैं और सबसे अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो चार ही हैं, समीर, टीड़ू मामा, बबलू जी और जानकी देवी. जानकी देवी कौन है माँ उसकी हरामी, क्योंकि कांता भाई तो आती नहीं ना आजकल. सही बात है. तो कांता भाई कौन है पता तुम्हें? देखते हो तुम? अरे हम असली फैन है, ऐसा नहीं पहले देखना शुरू किया फिर छोड़ दिया फिर देखना शुरू. हम असली फैन है. बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं. आई होप तुम लोग एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम. करना तो तुम्हें कुछ है नहीं वैसे, बट मैं तो बेवकूफ हूँ, डेली आके ये बोल के जाऊंगा और तुम कहोगे हिला के सोचा नहीं दूंगा. पाप लगेगा तुझे. चलो बाय, पीस.